हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम मोटोरोला टीवी में गेम पैड या कोई और भी एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में गेम पैड कैसे कनेक्ट करें, और मोटोरोला टीवी 32 इंच का एक गेमिंग रिव्यू। चलिए शुरू करते हैं। आगे आपको पहले होम बटन दबा के आपको पहले होम में जाना है। उसके बाद जैसे कि आप देखेंगे ऊपर कनेक्टेड सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप रिमोट एंड एसेसरीज में जाएंगे। एसेसरीज में जाने के पहले आप देखेंगे इस ऊपर एक ऐड एसेसरीज का ऑप्शन आ रहा है। उससे पहले आपको इस आपके गेम पैड में एक्स बटन जो है, जो आप ये ब्लू वाला बटन देख रहे हैं, ये वाला ब्लू वाला बटन को थोड़ी देर दबा के रखना है, और उसके साथ साथ इसका होम बटन दबा के रखना है। जब आप देखेंगे तो इसमें एक ब्लिंकिंग चालू हो जाएगा, 4 टाइप्स की जो लाइट चालू होगी। उसके बाद आप इसमें ऐड एसेसरीज में जाके इधर सर्च कर सकते हैं। देखते हैं अभी ये सर्च होने के बाद मैं आपको इसके आगे कैसे इसका होता है मैं वो दिखाता हूँ। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि अब इसमें गेम पैड का ऑप्शन आ चुका है। इसमें हम पेयरिंग में डालेंगे इसको। आप जैसे ही देखेंगे ये पेयर्ड होने के बाद, आपने देखा उसमें पेयर्ड हो चुका है। उसके पेयर्ड होने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें इस गेम पैड में एक सिंगल लाइट चलेगी। अगर आप सिंगल लाइट जो फर्स्ट वाली लाइट जल रही है तो इसका मतलब ये गेम मोड में है। अगर इस दूसरी नंबर की लाइट जलने लगे, दूसरी वाली सेकेंड नंबर की लाइट जलने लगे, तो मतलब वो आपका वॉल्यूम गेज जैसे काम कर रहा है रिमोट। तो अगर आपको वापस बैक आना है तो वापस आप ये मोटोरोला को होम बटन दबा के वापस इस गेम मोड में आ सकते हैं। चलिए मैं आपको अब आगे दिखा देता हूँ एक छोटा सा गेम। एक मैंने गेम डाउनलोड किया हुआ था, उसका एक मैं गेमिंग रिव्यू आपको दिखा देता हूँ कैसा है। मैंने ये एस्फाल्टेड डाउनलोड किया हुआ था, इसी को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप ये देखेंगे इसमें ये लोडिंग हो रहा है। ये आप देखेंगे किस तरीके से ये है। मैं आपको एक स्मॉल रिव्यू दिखाऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, इसलिए जस्ट खेल के दिखा देता हूँ। इसको इसमें सिस्टम बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसमें ए बटन दबाएंगे तो इसमें ये रेस लेता है, और उसके बाद आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको उसको डबल ट्रैक करना है तो आप इसको डबल बी दबा के अब इसको ड्रैग कर सकते हैं, मतलब जो इसको उसका बूस्टर होगा वो छूटेगा। ड्रिफ्टिंग के लिए, अगर आपको कहीं ड्रिफ्टिंग करनी है तो उसके लिए आपको ऐसे एक्स दबा के ड्रिफ्टिंग करनी है। अगर आप देखेंगे इस टीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है खेलने में, मतलब रिव्यू अगर आप देखेंगे तो कोई लैग नहीं है कोई भी गेमिंग। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा एक छोटा सा गेमिंग रिव्यू। मैं आपको थोड़ी देर ये 2-3 मिनट इसको खेल के दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया आ जाए कि किस तरीके से गेम खेल सकते हैं। ये एस्फाल्टेड है। अगर आप जानते होंगे कि ड्रिफ्टिंग करने के टाइम पे सबसे ज़्यादा इसमें जो लैकिंग होती है जो स्क्रीन की, वो इधर मैंने इसमें को चेक कर लिया है, मगर इसमें ऐसे बिल्कुल प्रॉब्लम आ नहीं रहा है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें वाइब्रेशन होता है जब हम टकराते हैं, तो ऐसा अभी तक इस मोटोरोला के गेम पैड में तो नहीं है। मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया, वो मेरे अभी तक बोल भी नहीं रहा है। अगर इसके अंदर कोई सेटिंग होगी तो मैं आगे एक बार देख के आपको उसके बारे में बता दूंगा। चलिए मैं आपको 1-2 मिनट इसको खेल के दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया आ जाए। ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू। अगर आपने आपको ये अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कोई आगे कोई वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नीचे दिया गया लाल बटन है उसको सब खाली आप दबा के सफ़ेद कर दें।
थैंक यू।